तो नेक्स्ट सेक्शन है स्मॉल कंट्री केस विद इंक्रीजिंग कॉस्ट हमने स्मॉल कंट्री केस जो है वो प्रीवियस सेक्शंस के अंदर भी पढ़ा था जहाँ पे हमने कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डिस्कशन की थी और वहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन दी थी स्मॉल कंट्री को कि जो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करती थी जबकि जो लार्ज कंट्री थी वो दोनों चीज़ की प्रोडक्शन कर रही थी आल दो जो हमने जो कांस्टेंट कॉस्ट की थेरी पड़ी थी वहाँ पे हमने कंप्लीट स्पेशलाइजेशन दी थी दोनों कंट्रीज के लिए तो इस केस के अंदर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी हम एक स्मॉल कंट्री का केस देखते हैं जहाँ पे स्मॉल कंट्री किस तरीके से बाय फेसिंग इंक्रीजिंग ऑपरचुनिटी कॉस्ट बिहेव करती है और किस तरीके से प्रोडक्शन करती है इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं और यहाँ पे ये ज्यूम करते हैं ये डायग्राम बेसिकली वही है मैंने जो गेंस जो ट्रेड के साथ ली थी इस इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और यहाँ पे ये ज्यूम कर रहे हैं ये एक नेशन है जिसका ट्रेड पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे वो ए पे एक लिबियम में है इसको मैं डिस्कस करता हूँ लेकिन थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं कॉन्सटेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वहाँ पर हमने ये देखा था कि सिर्फ स्मॉल नेशन जो थी वो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन कर रही थी उसकी वजह ये थी कि आपके पास जो है वो डिमांड जो है लार्ज कंट्री की वो पूरी नहीं कर पा रही इस वजह से वो जो है वो लार्ज कंट्री जो थी वो दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन कर रही थी इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही थी जबकि जो स्मॉल कंट्री थी वो कम्प्लीट स्पेशलाइजेशन कर रही थी जो अपनी कमोडिटीज बना रही थी और उसको एक्सपोर्ट कर रही थी इन लार्ज कंट्री और उसका थोड़ा सा शेयर था इन नेशंस वन इन नेशन वन अब यहाँ पे जो केस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है वहाँ पे जो स्मॉल नेशन थी वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ गई थी बट जब स्मॉल कंट्री को भी इंक्रीजिंग ऑपरचुनिटी कॉस्ट फेस करने पड़ते हैं तो वो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ ही जाती है क्योंकि वही बात है जो हमने पिछले कुछ सेक्शंस के अंदर डिस्कस की कि उसके रिसोर्स वेस्ट होते हैं जब वो कम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती है तो यहाँ पे जो स्मॉल कंट्री है वो पॉइंट ए के ऊपर जो एक्लेब पॉइंट है उसका जहाँ पे वो प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही है बिफोर ट्रेड कंज्यूम क्यों क्योंकि इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे है और प्रोड्यूस क्यों क्योंकि उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व है वो ये है तो ए इज इलेवन पॉइंट जहां पे वो फिफ्टी की एक्स की प्रोडक्शन कर रही है और सिक्सटी वाई की प्रोडक्शन कर रही है वाई एक्सिस पे हमने वाई गुड ली हुई है और एक्स एक्सिस पे हमने एक्स गुड ली हुई है तो इस तरीके से अब अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो रेलेटिव कॉमोडिटी प्राइस निकलती हैं स्पोज़ वो वन निकलती है। और डोमेस्टिकली जो रेलेटिव प्राइस उसको पी और पी वाई की फॉर्म में है वो सपोज वन बाई फोर ही है मैं उसी एग्जाम्पल को आगे लेके चल रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए क्योंकि कॉन्टीन्यूशन आ जाए उसी डायग्राम के थ्रू अब यहाँ पे जो स्मॉल कंट्री है उसको कंपेरेटिव एडवांटेज है क्योंकि उसकी रेलेटिव प्राइस जो है वो कम है दैट इज़ वन बाय फोर इस वजह से वो अब क्या करेगी स्पेशलाइजेशन करेगी इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स जब वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती है तो वो मूव करती है फ्रॉम ए टू बी वो आके बी पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करती है और यहाँ पे जब वो प्रोड्यूस करती है तो एक्स के वो वन थर्टी यूनिट प्रोड्यूस कर रही है जबकि वाई के वो जस्ट ट्वेंटी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है और इस तरीके से इस केस के अंदर जब आपके पास इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो स्मॉल नेशन है वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ अभी भी नहीं जा रही और उसकी बुनियादी रीज़न जो मैंने इस मॉड्यूल के स्टार्ट में बताई वो है इस कर्व का थोड़ा सा इस शेप का होना कनकेव शेप का होना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जबकि अगर हम कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो वहाँ ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था इस वजह से वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ चली गई थी और कुछ डिमांड जो है वो नेशन वन की ये कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के साथ पूरी कर रही थी और अपनी सारी कॉमोडिटी वहाँ से इम्पोर्ट कर रही थी इस केस के अंदर प्रोडक्शन वो करती है नेशन वन जिसको आप स्मॉल नेशन का नाम दे रहे हैं वो 130 पे एक्स की और Y की प्रोडक्शन कर रही है एट पॉइंट ट्वेंटी यानी कि Y के 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है और रिलेटिव प्राइस है आपके पास जो आपने कहा इंटरनेशनल लेवल पे है इस वजह से उसको फायदा है अगर वो चीज़ को एक्सपोर्ट करे एक्स गुड को इसी वजह से उसने एक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन की और एक्स गुड को एक्सपोर्ट कर दिया और एक्सपोर्ट कितनी की उसने सिक्सटी एक्स फॉर तो प्रोडक्शन पॉइंट नेशन जो स्मॉल नेशन है उसका पॉइंट बी है और वो सिक्सटी एक्स एक्सपोर्ट करती है और उसके बदले में सिक्सटी वाई ले लेती है तो इस केस के अंदर अगर आप देखें तो वन थर्टी में से सिक्सटी जो है उसने एक्सपोर्ट कर दिए ये वाला सेक्शन ये उसने एक्सपोर्ट कर दिया और उसके बदले में उसको जो दूसरी जिसको आप लार्ज नेशन कह रहे हैं उससे सिक्सटी बाय इम्पोर्ट कर लिया इसको हम इम्पोर्ट का नाम दे देते हैं अब ये एक ट्रेड ट्रायंगल बन रही है जैसे पहले भी हमने केसेस देखे हैं जहां इस चीज़ को हमने ट्रेड ट्रायंगल का नाम दिया जब ट्रेड ट्रायंगल में देखते हैं तो एक तरफ एक्सपोर्ट हैं और एक तरफ इम्पोर्ट हैं और इनका वॉल्यूम भी इक्वल है अगर आप देखें तो 20 इनिशली प्लस 60 दैट इज 80। अब अल्टीमेटली जो पहले प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही थी एट पॉइंट फिफ्टी एंड सिक्सटी यहाँ पे जो एक्स है वो फिफ्टी है और वाई जो है वो सिक्सटी है after trade, after specialization, by facing increasing opportunity cost, उसने क्या किया X के अंदर specialization की और 60X for 60Y export किये and then जो उसकी final consumption हो रही है वो 0.70 और 0.80 के ऊपर हो रही है तो so in that case जो small nation को जो है फायदा हो गया है 20X का और ट्वेंटी ही वाई का तो अल्टीमेटली स्मॉल नेशन यहाँ पे भी गेन कर रही है लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपके पास यहाँ पे इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ गई है नेशन स्मॉल नेशन जो है और जो कांस्टेंट अपॉरचुनिटी कॉस्ट के अंदर हमने स्टडी किया था वहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट था क्योंकि कॉन्स्टेंट अपॉरचुनिटी कॉस्ट थे तो वो कम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकती थी ये सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है